चलिए आइए फिर से हम अपने लक्ष्य को याद करें अभी जितने भी एयरपोर्ट हैं जो देखे जा रहे हैं हर आदमी मास्क लगा के चल रहा है क्योंकि जो कोरोना वायरस चाइना का है डर है कहीं सब पर फैल ना जाए इससे सिद्ध होता है कि हमारी प्राथमिकता है सिर से पैर की अंगुली तक इसका अस्तित्व तो बना रहे तो उसको बनाए रखने के लिए जितने प्रकार की शिक्षाएं मौजूद हैं इस समय मेडिकल की मेडिकल में कई ब्रांच है एक मन का मेडिकल साइंस मनोविज्ञान है सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं कहीं हड्डी का कहीं हार्ट का कहीं किडनी का फिर उसमें होम्योपैथी भी आ गया क्योंकि एलोपैथी में साइड इफेक्ट होता है तो होम्योपैथी निकला कि साइड इफेक्ट कम होगा लेकिन याद रखिए सब कुछ होते ही होम्योपैथी में लाइफ सेविंग नहीं है आपको इमरजेंसी चाहिए तो होम्योपैथी के पास आयुर्वेदा के पास कुछ भी नहीं है इसे यह सब विज्ञान विकसित हो रहे हैं एक चीज़ अक्सर हम कहते हैं होम्योपैथी में और कहते दवाओं को हम एटॉमिक फॉर्म में देते हैं वाइब्रेशन में देते हैं तो जो चीज़ एटॉमिक फॉर्म में है ज़्यादा पावरफुल होगी तो बड़ी सी गोली लेने की आवश्यकता नहीं है उसका हम बहुत ही फॉर्म में ले उसको अल्कोहल डाल करके वो पोटेंटाइज करते हैं उसकी मात्रा को घटाते हैं उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं तो अल्कोहल से शक्ति बढ़ेगी किसी की ये समझ में नहीं आता है इसका मतलब कि अभी अधूरा है चलो ठीक है तो हम इतनी दाल क्यों खाएं, रोटी चावल क्यों खाएं रोटी चावल दाल को पोटेंटाइज फार्म बना दीजिए दो ड्राप डाल लें दिन भर काम करें सिद्ध नहीं होता ये इसे होम्योपैथी हम नहीं कहते है। गलत है इसमें अनुसंधान की आवश्यकता है आयुर्वेद में कहते हैं कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है ये जड़ी बूटी ये जड़ी बूटी उदाहरण देते हैं कि हनुमान जी गए हिमालय से संजीवनी बूटी लाए और किसी चीज़ से ठीक नहीं हुए चलो हम मानते हैं जो आयुर्वेद भारतवर्ष में प्रचलित था बहुत सही था लेकिन है कहाँ वो अनुसंधान करिए अभी मैं एक पेड़ लगाते हैं पेड़ लगा करके अभी हरा है जैसे पुनर्नवा है और ऐसे नहीं है उनकी जड़ों को खोद करके पीस के पीते हैं किसी पेड़ के जीवन को समाप्त करके हम अपने जीवन को नहीं बना सकते हैं ये पत्तियाँ हैं ठीक है किसी पेड़ की पत्ती को आपने ले लिया फ़ायदा करता है थोड़ी सी पत्ती लिया फिर निकल आएगी चलो समझ में आता है लेकिन किसी पेड़ की जड़ को लेकर के निकाल करके पिस करके पीजिए चटनी बना के खाइए ये समझ में नहीं आता है इसलिए आयुर्वेद बहुत बड़ा विज्ञान था लेकिन इस समय नहीं है अनुसंधान की आवश्यकता है आयुर्वेद का मतलब क्या है आयु का मतलब क्या है जीवन जीवन का मतलब क्या है लाइफ लाइफ का मतलब क्या है प्राण इसी को प्राण कहते हैं जीवन कहते हैं और इसी को आयु कहते हैं आयुर्वेद वेद कहते हैं गॉस्फिल गॉस्फिल का मतलब है कि आयु के बारे में जो बताए जीवन के बारे में बताएं इसी को जीवन के बारे में वेद कहते हैं वही तो स्वामीश्वर गिरि ने लिखा है गॉस्पेल होली साइंस होली साइंस का पहला चैप्टर ही गॉस्पेल है जिसको गॉस्पेल कहते हैं जिसे सच्चा सिद्धांत कहते हैं वो जीवन का है उसी वेद का पर्याय है आयाम तो प्राणायाम क्या है प्राण का आयाम तो आयुर्वेद क्या है प्राचीन काल में आयुर्वेद का सारा ज्ञान प्राणायाम से मिलता था प्राणायाम ही आयुर्वेद की जान है जीवन है तो प्राणायाम है क्या जो हम लोग क्रिया योग का अभ्यास करते हैं ये सबसे बड़ा प्राणायाम है ये जितने तरह के प्राणायाम की चर्चा करते हैं लोग ठीक है हमें नहीं कहते कि सब गलत है सब अधूरे हैं उसमें अनुसंधान की आवश्यकता है लेकिन जो क्रिया योग का अभ्यास है ये उच्चतम प्राणायाम है कैसे मान लें हम लाढ़ी महाशय ने सिद्ध किया है ज्ञानवतार स्वामी केश्वरदे ने सिद्ध किया है परमहंस योगानंद ने सिद्ध किया है अगर तीन को ही ले लीजिए तो सिद्ध हो गया है केवल आइंस्टाइन ने सिद्ध किया था इक्वल टू एम सी स्क्वायर उसको हम मानते हैं कि नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला F टू जी एम ओन एम टू बाई डी स्क्वायर आर स्क्वायर यह गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये फार्मूला न्यूटन ने दिया था तो उसको हम पढ़ते हैं कि नहीं आइंस्टाइन ने दिया था हम पढ़ते हैं कि नहीं ऐसे का तीन परम वैज्ञानिक लड़ी महाशय एक गिरी योगानंद जो विज्ञान महातार बाबा ने दिया तीनों लोगों ने सिद्ध किया कि सही है तो प्राणायाम हर प्रकार के ज्ञान का ये मूल है ये प्राणायाम करने से ज्ञान प्रकट होता है जो ज्ञान सोया हुआ है जगता है और क्रियायोग उच्चतम प्राणायाम है